हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो, जो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स जो कि हम लोग पढ़ रहे थे 11.3 को, और इस वीडियो में हम लोग जो है बाकी अपने बचे हुए क्वेश्चंस को फिनिश करने वाले हैं, एग्जांपल्स को फिनिश करने वाले हैं, और उसके बेसिस पर जो भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा हम उसको जो है कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर कोशिश मेरी यही रहेगी कि बेसिकली जो भी अब बेसिकली दो तीन तीन टॉपिक आपके और बचे हुए हैं उसके बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो, तो कहने का सीन क्या है कि आपको फिर से जो है यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आपकी कॉपी में जितने भी आपने पुराने फॉर्मूले वहां से याद करना है, लाइन से। हाँ हाँ ठीक है, लाइन से, सही आपने सुना, लाइन से, प्लेन से नहीं, लाइन से लेकर के अब तक के आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े ना, आप उन सारे के सारे फॉर्मूले को क्या करो, एक बार देख लो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यूज अप होने वाला है। अभी अभी कहीं प्लेन आएगा, कभी एक टर्म आएगा प्लेन, कभी एक टर्म आएगा लाइन, तो कंफ्यूज नहीं होना सर, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, यहाँ पे जैसे ही हमने आगे बढ़ा तो हमारे पास एक छोटा सा एक हमारा जो है दिख गया, ये कह रहा है कि कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन, ठीक है, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन। तो आपको याद होगा इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं, ऑफ टू लाइन्स, कि अगर दो लाइन्स अगर आपस में जो है कोप्लेनर है या नहीं है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्या होता था, देखो लाइन्स है भाई, लाइन्स है, प्लेन्स नहीं सर, अचानक प्लेन से लाइन्स में आ गए, हाँ ऐसा दिया है तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो याद करो आपने लाइन्स का इक्वेशन क्या पढ़ा था, याद आया क्या, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा डी। अगर एक लाइन होती थी तो हम ये लेते थे, मान लो अगर दो लाइन है तो क्या कर देंगे, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा डी वन, ये वैक्टर ए वन, ये होता था, याद आया क्या, ठीक है, ये डी वन हमारी क्या होती है, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, ठीक है। एक मिनट, ए बी, सॉरी बी होता था ना, सॉरी हम भी भूल रहे हैं, ठीक है, बी वन है ना, ये ए वेक्टर ए और बी है ना, अगर दो लाइन होती थी तब। और दूसरी वाली क्या ले लेंगे, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस एक अपने लैम्डा लिया था और एक अपने लिया था न्यू, याद आया क्या, न्यू बी टू, ठीक है, इस केस में हम ये कहते थे। ये देखो, ये हम लोग कर चुके हैं। अगर हमारे लाइन अगर आपस में अगर कोप्लेनर होते थे, तो कोप्लेनर होने की अब बेसिकली यहाँ पर हम अब स्पेसिफिक रूप से देखने वाले हैं। तो अब कोप्लेनर होने की हम एक वेक्टर कंडीशन देखेंगे और एक हम एक कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें, अगर भाई कोई भी अगर दो लाइन अगर आपस में कोप्लेनर है, तो कैसे पता, कैसे प्रूव करेंगे सर कि लाइन्स आपस में कैसे हैं कोप्लेनर है, तो उसके लिए हम जो है हम बात करने वाले हैं पहले वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म देखो, अगर कोप्लेनर होंगी लाइन तो इनका हमारा जो वेक्टर फॉर्म आएगा वो आना चाहिए, देखो क्या, ए टू, शायद ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, एक मिनट भाई, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये अगर जीरो आ जाता है, हाँ बिल्कुल, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आपका ये फिर से रिवीजन होगा। अब यहाँ पर अचानक से टॉपिक दे दिया भाई, 11.7 का ये आपका टॉपिक है, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइन है, तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं लाइंस वाले में, याद आया, प्लेन पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ये आपका जो होगा, ये आपका अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, बी वन आप बी वन बी टू क्रॉस निकालोगे, और अगर ये अगर इज इक्वल टू जीरो होता है तो हम कह देंगे हाँ ये लाइन हमारे आपस में कैसी हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। देखो, अगर हम बात करते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म की, याद करो कार्टेशियन फॉर्म क्या था, थोड़ा सा तो जोर लगाओ, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि आप जो है थोड़ा सा आपको जो है रिवीजन कर लो एक बार। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म की, देखो अगर हम बात करें तो आपको याद आ रहा है सर, वो उसका गाना याद आ रहा है, कौन सा वाला, ये देखो क्या होता था हमारे पास, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, याद आया क्या, बिल्कुल सर, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ये हमारी होती थी कार्टेशियन फॉर्म, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आती थी, जीरो। अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर बोलेगा, कार्टेशियन फॉर्म से करने के लिए बोलेगा तो ये करेंगे, वेक्टर फॉर्म से बोलेगा तो ये करेंगे, अभी जैसा भी डिपेंड करता है कि आपका जो है इक्वेशन वो कैसा दिया हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलो इसके बेसिस पे जल्दी से एक एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जो कि दिया भी गया है, और ये हमारी पिछली वाली चीजें थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएंगी, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में आप अगर याद करोगे कि कार्टेशियन फॉर्म में हम लाइन को देखो कैसे लिखते थे, तो आप ये कहते थे सर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, याद आया,
कार्टेशियन फॉर्म में आपकी ये लाइन की इक्वेशन होती थी। मान लो अगर दो लाइन होंगी तो x माइनस एक्स टू अपॉन, अब यहाँ पे हम ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू ले लेंगे। क्लियर हुआ ये बात? ये वही चीज़ है ए वन, है ना। देखो वही पिछला वाला मैंने आपसे इसलिए कहा कि थोड़ी देर के लिए आप जो है एक बार जल्दी से जो है दो मिनट का समय लेकर के एक बार रिवीजन कर लो। अगर आपने अभी भी नहीं किया तो दो मिनट का समय लेकर के जल्दी से रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन करके आओ फिर यहाँ से। हम बात करते हैं इसका, हमारा जो भी एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल नंबर 21, अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे भाई, बड़ा आसान है। ये समझ में आया क्या करना है आपको? अलग से आप कॉपी ये जो है फॉर्मूले की अलग से कॉपी बना के बनाते हुए चल रहे हो, चलना है आपको। अगर नहीं चला होगा, है ना, तो आप जो है सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह लिखो और आप अपने देखो इस एनसीईआरटी चैप्टर के सबसे पीछे मिसलेनियस के बाद जो है ना वो पूरा का पूरा जो है आपका फॉर्मूला दे दिया है। और इसलिए देखो हम पर्टिकुलर वीडियो में पर्टिकुलर फॉर्मूला और पर्टिकुलर क्वेश्चन ही लेकर के चल रहे, ताकि मिक्स ना हो जाए चीज़ों को आप जो है याद रखें अच्छे से, मतलब एक एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। हाँ, फिर जब हम लोग जब मिसेलेनियस वाले जब क्वेश्चन करेंगे, मिसेलेनियस वाले जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो फिर उसमें आपको जो है सारी चीज़ें जो है याद रखनी है। या एक बात ध्यान रख लो, जब हम लोग मिसेलेनियस स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या करना है कि आपको जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे याद रख लेने हैं। मिसेलेनियस तक पहुँचते इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हमें सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उन सबको आपको याद रखना है, ताकि जब हम मिसेलेनियस के जब हम क्वेश्चन करें तो आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, ये नहीं कि सर पेज पलट लिए, सर आप तो नहीं देख रहे हो, हम सर पेज पलट लेते हैं, ऐसा नहीं होना पड़े। आपको जो सारे के सारे फॉर्मूले देखो उस समय तक याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अभी तो एक दो दिन का मेरे ख्याल से समय है। ठीक, चलो भाई आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 21 तक। 21 पर देखो जी, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा है कि शो दैट द लाइंस, ठीक है, आपके पास दो लाइंस दिए गए हैं, एक ही आपका ये लाइंस है, ठीक है, और आपकी ये लाइंस है। कह रहा है कि आपस में दिखाना है भाई कि आपस में ये कोप्लेनर है। देखो मेरे को लगता है ना, ये पता है बीच में अचानक से ऐसे लाइन वाला क्वेश्चन देने का क्या मतलब है, क्योंकि अभी अब आपके आगे आने वाले जो फॉर्मूले हैं ना वो थोड़े से लाइन से रिलेटेड है, इसलिए मेरे ख्याल से लगता है ना ये आपको मेमोराइज कराना चाहता है, कि मतलब आपको ये देखना चाहता है कि आप कहीं भूले तो नहीं अचानक से देख करके। हाँ, ये क्या दे दिया, लाइन दे दिया, लाइन तो सर पढ़े ही नहीं है जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं लाइन, उसके बाद हम लोग प्लेन पढ़ना स्टार्ट किया ना। कई बच्चों को तो अच्छा लाइन आ गया, अच्छा ठीक, मतलब अभी समझ में आया, अभी जो है फील हुआ अच्छा लाइन आ गया, अच्छा लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम सर क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमें इनका जो है ना कंपैरिजन करना होता है। बिल्कुल, तो हमारे पास देखो स्टैंडर्ड हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म होता है लाइन का, वो देखो क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ओके, ये होता है, बात समझो, हम यहाँ से सबसे पहला काम कंपेरिजन करना होता है ना, तभी तो आप जो है x1 y1 जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो तो आप यहाँ से देखो क्या करोगे कि आपकी जो देखो माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या 3, बात समझ रहे हो ना। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था हमने एक्सरसाइज में या फिर हमने एग्जाम्पल्स में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद करो आप, थोड़ा सा जोर लगाओ अपने मेमोरी पर, ठीक है, बादाम वगैरह खाया करो। ठीक है, देखो एक्स वन इज इक्वल टू देखो कितना है, माइनस एक्स वन इज इक्वल टू है 3, सो एक्स वन इज इक्वल टू हमने ये कहा कि भाई कंपेयरिंग तो क्या देखो मिल जाएगा आपको ये मिल जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का 3, बोलो मिलेगा ना, माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 3 है तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। अच्छा, फिर लगे हाथ यहाँ पर ए वन भी बता दो, ए वन कितना हो जाएगा माइनस का 3, ए वन देखो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 3, ये बात आपको आ रही समझ में। ठीक, सिमिलरली अब बात करते हैं वाई वन की, वाई वन देखो आपके पास कितना हो जाएगा, तो माइनस वाई वन है, ऑब्वियसली बात है माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन, सही बात है, माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल, सो वाई वन इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे बी वन इज इक्वल टू आपके पास कितना है, बी वन इज इक्वल टू है आपके पास 1। ठीक है, फिर सिमिलरली एक्स वन वाई वन जेड वन, जेड वन देख लेते हैं, जेड वन इज इक्वल देखो माइनस जेड वन है, यहाँ पर भी माइनस 5 है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। और यहाँ से आपका निकल गया सी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपने x1, y1, z1 और a1, b1, c1 की आपने जो है वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, ओके, नाउ बात करते हैं x2 की। देखो चलो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप x2 की वैल्यू निकाल करके दिखाओ, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 आया है, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, सही है। ठीक है, अच्छा a2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये बात बताओ आपको समझ में आई, इतनी बात क्लियर है? अब देखो क्या पूछा है, ये कह रहा है कि कोलिनियर, अच्छा तो आपने ये निकाल लिया ना, ये आपका ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया ना इक्वेशन, तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया, तो हम कार्टेशियन वाला अपना सिस्टम फंडा जो अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंस हम ये जानते हैं कि फॉर को प्लानर है ना,
अच्छा वहाँ पर कोलिनियर वाला ऐसा हम लोग समथिंग देखे थे, ठीक है को प्लानर। अच्छा, एक ही प्लेन में है, ठीक, को प्लेनर, PLANAR, को प्लेनर। देखो सेम वही कंडीशन है, को प्लेनर, को प्लेनर के लिए अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x2 - x1 और a1 a2, y2 - कितना आसान है, y2 - y1 b1 b2 और z2 - z1 c1 c2। अपॉन नहीं, अपॉन नहीं इज इक्वल टू जीरो, इनका डिटरमिनेंट्स का आना चाहिए जीरो। चलो रख देते हैं, देखो तो हम LHS सॉल्व करते हैं, ठीक है LHS की हम बात करते हैं और जो है देख लेते हैं कि LHS हमारा RHS की इक्वल है कि नहीं है। तो x2 देखो आपके पास कितना है, -1 माइनस, x1 कितना है -3, माइनस माइनस रहेगा प्लस, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। y2 - y1, y2 है आपके पास 2 माइनस y1 है 1, z2 - z1, z1 है आपके पास 5 और माइनस z2 - z1 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास a1, a1 की वैल्यू है -3, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू, देखो ये आपके पास हो जाएगा 2 - 3 और -1, ये हो जाएगा 2 - 1 1 2 0 5 5, यही तो होगा, ठीक। तो ऐसा है कि इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 आपने लिया, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास 5 - 10 है ना, ये लिया ये लिया, तो 5 और -10, फिर ये ले लिया हमने 1 माइनस का 1, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, -3 * 5 दैट मीन्स 15, और माइनस ये मल्टीप्लाई किया, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे और -का -5, -का 5 आएगा तो माइनस ऑलरेडी है, +का 5 हो जाएगा, फिर +0 ले लिया तो ये तो +0 ही हो जाएगा, जाने दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 - 10 दैट मीन्स -का 5 और -का 5 * 2 -का 10, ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, -15 + 5 यानी कि -का 10 और -का 10 और ये -, -, ++ का 10 और इज इक्वल टू आ गया क्या, 0। हेंस हम ये कह देंगे, साफ साफ कह देंगे क्या, सो लाइन हमारी जो होंगी वो कैसी होंगी, बस में को प्लेनर होंगी। अच्छा ठीक है, वहां पर हम कोलिनियरिटी की चेक करते हैं, यहाँ पर हम कोलिनियर की को प्लेनर की बात करें, मतलब प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, समझ रहे ना, को प्लेनर दैट मीन्स को मतलब एक साथ और प्लेन मतलब एक ही प्लेन में रहने वाले लाइन्स, ओके ठीक है, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, चलो ठीक है। तो सो लाइन्स आर को प्लेनर, ठीक, वहां पर हम कोलिनियरिटी की बात करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो वही है मेरे ख्याल से, एक भी कोई भी जरा सा कुछ भी चीज बदली नहीं है, आई होप अगर आपको याद हो तो सारी चीजें, है ना, ये बात समझ में आ गई, एक मिनट चलो इनको मिटाते हैं, ठीक है देखो जी बात करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की, ठीक है। क्या है ये, सिंपल कुछ नहीं, प्लेन्स है वहां पे, जैसे हमने लाइंस देखा था, लाइंस के बीच में हमने जो है एंगल देखा था, अब सिमिलरली हमारे पास ऐसे दो प्लेन होने वाले, दो प्लेन भाई आपस में कैसे भी हो सकते, मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ऐसे हो सकता है, कैसे 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 भी हो सकता है, ठीक है समझ रहे हो। तो इनके बीच हम क्या करने वाले हैं, एंगल्स देखने वाले, तो मान लेते हैं इनके बीच का एंगल थीटा है, क्या है, थीटा है। अच्छा अगर दो प्लेन्स है, देखो बात समझो, दो प्लेन्स है, अब लाइन्स से कहाँ गए, प्लेन्स में आ गए, तो प्लेन्स का आपको इक्वेशन पता है क्या होता था, r वेक्टर r डॉट n, अगर हम मान लो ये डिपेंड करता था कि अगर हम एन कैप लेते हैं तो एन कैप का मतलब कि ऑलरेडी हमारा ये मतलब कंप्लीट होता था, इसमें हमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती थी, बस हमें एन का, बस हम क्या यहाँ से हम एन का हम क्या निकाल सकते थे, डायरेक्शन को साइन निकाल सकते थे। लेकिन अगर मान लो अगर ये ऐसे दिया गया है ना, ऐसे दिया गया, फिर क्वेश्चन में अगर दिया गया तो वहां पे एन वेक्टर मान लेते थे, हमारी परपेंडिकुलर वेक्टर होती थी, याद है ना आपको, ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या मानते थे, डी मानते थे, ये एक प्लेन के लिए होता था। अगर हम दो प्लेन की बात करते थे तो एन वन और डी वन मान लेते थे, सिमिलरली दूसरे वाले प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, r और n2 वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2, डिस्टेंस हमारी होती थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है ना, और आपको पता है कि एन वन और एन टू आपकी क्या है, आपकी जो है ये आपकी नॉर्मल वेक्टर है प्लेन्स पर, तो इस केस में हमें जो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होगा,
है ना, एंगल होगा वहां मान लेते हैं थीटा है। तो सेम जैसे आपको याद करो लाइन वाले में क्या था, सेम उसी तरीके से इसमें भी है, प्लेन वाले में है, याद है, याद आया, आपने रिवीजन किया ना, इसलिए हम कह रहे हैं आपको रिवीजन करके आओ एक बार, है ना। मतलब आपको जो है सर की बातें मजाक लगी हैं, जरा ऐसे ही बोल रहे हैं रिवीजन करने के लिए। देखो वहां पर आप डी वन में लेते थे, मतलब डी क्या लेते थे वहां पर आप, बी वन और सॉरी डी वन में आप लेते थे, नहीं बी वन में लेते थे सॉरी, और यहाँ आप किस में लोगे, एन वन में लोगे, ठीक है। तो एन वन डॉट एन टू अपॉन मॉड ऑफ एन वन और इंटू मॉड ऑफ एन टू, ये आपका जो है फाइनल प्लेन के लिए, प्लेन के बीच का एंगल आप जो है यहां से निकाल सकते हो। सेम वही कंडीशन है, आगे बात समझे, सेम वही कंडीशन है। अब देखो, अब मान लो अगर दोनों प्लेन्स आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं, समझो मेरी, दोनों प्लेन्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो। यानी कि उनका जो अगर थीटा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा उनका कितना होगा, 90 डिग्री। इफ प्लेन, वही सेम वही केस, इफ प्लेन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा तो अगर अगर देखो अगर प्लेन अगर हमारा अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो थीटा होगा दैट मीन्स वो 90 डिग्री होगा। तो आपको पता है कि कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप कॉस जब जीरो रखोगे, कॉस थीटा की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा जीरो, तो क्या मिलेगा आपको, एन वन डॉट एन टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये होता है आपके परपेंडिकुलर का केस, ठीक। अच्छा मान लो कि अगर आपकी प्लेन जो है वो कार्टेशियन सॉरी वेक्टर फॉर्म में दी गई थी तब आपने ये कर लिया। अच्छा अगर सर हमारे मान लो अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर मान लो प्लेन अगर हमारा दे दिया, तो कार्टेशियन फॉर्म याद आया, तो आप बोलते थे ना जैसे कार्टेशियन फॉर्म आप जो लिखते थे तो ये लिखते थे ना एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, है ना, एन जेड इज इक्वल टू डी, याद आया क्या, या प्लस डी ऐसे करके हमारा प्लेन का जो नॉर्मल हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म होता था। या अगर हमारे मान लो डायरेक्शन रेशियो दिए होते थे तो हम क्या लिखते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी, इस तरीके से जो लिखते थे, याद आया क्या, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर आपके प्लेन की अगर इक्वेशन दी गई होगी तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो तो लेट कर लिया जाए कि मान लो आपके पास दो प्लेन्स है, टू प्लेन्स, इसको हम क्या मानते थे, ए वन एक्स, अगर भाई दो प्लेन्स है तो हम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन और प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो है। तो इनके बीच का जो आपका जो थीटा होगा यानी कि एंगल होगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लगाओगे, सेम वही चीज देखो, एन वन, एन वन का मतलब आप क्या समझ रहे हो, ए वन बी वन सी वन, यही तो मतलब है, और डॉट एन टू, तो ए टू बी टू सी टू जो आप रखोगे यहां पर ऑटोमेटिकली जो आप रखोगे सर, तो क्या हो जाएगा, ए वन ए टू आएगा प्लस बी वन बी टू आएगा प्लस सी वन सी टू आएगा, आएगा ना, जब उनका जब आप डॉट को रख करोगे तो जब एन लोगे ना, मेरी बात समझो, जब एन आप लोगे ना तो ये कहोगे ए वन आई प्लस बी वन जे के कैप, बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ये होगा एन वन। और एन टू के लिए आप क्या कहोगे, यहां से ये तो लोगे ना ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, यही तो लोगे ना, समझ रहे हो, जब आप यहां पर रखोगे सेम वही लाइन वाली ही कंडीशन है और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन, फिर जब अपॉन में जब आओगे, जब एन वन और एन टू की जब वैल्यू निकालोगे दैट मीन्स आप जो है मॉड निकालोगे, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, देखो अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इन टू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, वही सेम, याद आई लाइन वाली कहानी, याद आई, हाँ सर याद आ गई लाइन वाली कहानी, लाइन वाली कहानी याद आ गई, क्या बोल रहे हैं सर आप, देखो इधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है एंगल दो प्लेन के बीच में आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हो, अगर 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 आपका क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हुआ है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि बाय यूजिंग कार्टेशियन फॉर्म से आप जो है निकालो, कंपेरिजन करके निकालो, इस तरीके से भी पूछ लेता है, तो डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, आपका क्या फर्ज है, आपका क्या कर्तव्य है, आपकी क्या ड्यूटी है कि आप इनको पूरे को याद रखें, ठीक है, समझ रहे हो, एकदम फोड़ दो एकदम, ठीक है, मतलब मैं एकदम फोड़ दो नहीं सर, तो मैं सर याद ही कर लूंगा सर, बहुत हो गया सर, ये जो मेरे साथ आंख में चली गया सर, खेल खेल रहा है, बार बार याद कर रहा है सर, भूल जा रहे हैं बार बार, बिल्कुल फिर से याद करूँ।
देखो बच्चा, ह्यूमन टेंडेंसी होती है भूलने की, ठीक है, ये बड़ी अच्छी टेंडेंसी है, ये रहने भी चाहिए ह्यूमन के साथ, अगर नहीं रहेगी तो फिर बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम भी होती है। तो ठीक है, वो बात की बात है, जाने दो, इस पर कभी और हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल तो ये आपने जो है एंगल्स निकाल लिया, ठीक है। अब सेम वही कहानी है, जैसे कि अगर मान लो ये अगर सेम वही अगर ये राइट एंगल परपेंडिकुलर होंगे तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। और फिर मैंने देखो वहाँ पे लाइन वाले में हमने कहा था कि अगर लाइन अगर हमारी आपस में पैरेलल होंगी तो सिमिलरली प्लेन भी आपस में कैसे हो सकते हैं पैरेलल। मैंने आपको बताया ये प्लेन आपस में कैसे, अच्छा सर पैरेलल कहाँ है सर, ये तो ओवरलैप का, हाँ देखो ये पैरेलल है, आगे बस हमें कैसे ये पैरेलल है ना, तो ये दो प्लेन है, ये वाला प्लेन ये वाला प्लेन, ये आपस में दो पैरेलल है। तो इसकी केस भी हम देख लेते हैं। तो हमने कहा सर इफ प्लेन्स प्लेन्स आर पैरेलल, PLL, ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ए वन अपॉन, जैसे याद आया वहां पर क्या था, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू, सिमिलरली इस तरीके से बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। बोल तो हम ही गए हैं सर थोड़ा सा है, अगर आज की बात बताएं तो, बट कोई बात नहीं, मेरे को याद है, थोड़ा बहुत याद है, हाँ सच में, ठीक मजाक नहीं कर रहे, याद है, ठीक है। तो ये आपने, ये आपके प्लेन की क्या हो गई, पैरेलल जो है वो कंडीशन हो गई, ठीक है, आगे बात समझें। चलो अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देख लिया जाए, देखो कैसे, देखो क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, और फिर एग्जाम्पल्स के बाद जो भी इससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके देखो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की। देखो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 22 में फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, ठीक है भाई, दो प्लेन्स दिए गए हैं यूजिंग है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, USING, यूजिंग यूजिंग वेक्टर मेथड, ठीक है, कौन से मेथड के थ्रू करना है, हमें वेक्टर मेथड के थ्रू करना है। ओके देखो ये कैसे दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और कह रहा है कि वेक्टर वेक्टर मेथड से करना है, कोई बात नहीं सर, हम जो यहाँ से तुरंत हम एन निकाल लेते हैं, एन आप निकाल लोगे ना, ज्यादा भी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो यहां से आप जो है एन वन और यहां से आप जो है एन टू निकाल सकते हो, याद आया नहीं याद आया, आप देखो अगर आपको अगर अच्छे समझना है कि सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि सर यहाँ से एन वन और एन टू निकाल सकते हैं, तो आप देखो प्लेन जो मैंने स्टार्ट किया था है ना, प्लेन का फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट अगर है तो आप प्लेन का फर्स्ट वाला है ना, प्लेन जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट वाला वीडियो देखो, ठीक। देखो तो अगर हम इसको कंपेरिजन करेंगे, आई होप अगर जिन बच्चों ने देख लिया होगा तो अब आप यहां से कंपेयर करके जो है एन वन और एन टू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एन वन देखो कितना हो जाएगा, टू आई कैप प्लस ये आपका कितना था, प्लस वाई, वाई था ना, टू आई कैप प्लस वाई का कॉफिशियंट देखो कितना है वन, तो जे कैप और जेड का कॉफिशियंट कितना है टू, माइनस का टू जे कैप टू के कैप सॉरी। और एन टू देखो आपका कितना हो जाएगा, एन टू आपका हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप और माइनस का टू के कैप, कैप डाल रखो स्मॉल रख लो ये आपकी मर्जी, चलो हमने अगर स्मॉल लेकर के चल रहे हैं तो हम स्मॉल ही लेकर के चलेंगे है ना, एन वन, ठीक। अब कह रहा है कि जो है वेक्टर मेथड से निकालना है, तो ठीक है भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एन वन डॉट एन टू अपॉन मॉड ऑफ एन वन इंटू एन टू मॉड ऑफ एन टू। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें निकालना पड़ेगा एन वन डॉट एन टू और इनका हमें मॉड निकालना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, देखो एन वन है, एन वन की वैल्यू रख लेते हैं कितनी है, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस का टू के कैप डॉट, एन टू कितना है थ्री आई कैप माइनस का सिक्स जे कैप और माइनस का टू के कैप अपॉन एन वन कितना हो जाएगा, देखो फोर प्लस वन और प्लस टू का स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर दैट मीन्स फोर इंटू, ये इंटू है पॉइंट नहीं समझ लेना, एन टू थ्री का स्क्वायर दैट मीन्स नाइन प्लस सिक्स का स्क्वायर 36 और प्लस टू का स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर दैट मीन्स फोर, ये तो होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आपको जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, देखो टू का थ्री के साथ सिक्स, वन का माइनस सिक्स के साथ माइनस सिक्स, माइनस टू का माइनस टू के साथ प्लस का फोर, ठीक अपॉन, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4489 अंडर रूट 9 इंटू, ये आपके पास हो जाएगा 36 और 440 और 949, ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं ये कर लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना
कितना हो जाएगा देखो आपके पास, 6 माइनस 6 जीरो हो गया, यानी कि 4 अपॉन, देखो 3 को कर, आप बाहर निकालोगे सॉरी 9 को बाहर निकालोगे 3 आएगा, इंटू 49 को बाहर निकालोगे 7 आएगा, सो कितना आ गया 4 अपॉन 21। तो ये आपका आ गया क्या थीटा। अच्छा थीटा निकालना है तो थीटा निकालो, कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 अपॉन 21, ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। बताओ ये बात आपको समझ में आई, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? सिंपल है ना। ओके नौ बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 23 का, है ना, जो कि इसी के बेस पर है। चलो आप मेरे को बताओगे कमेंट करके, यस सर मैंने एग्जाम्पल नंबर 23 खुद से कर लिया है, या फिर मत दो मेरे को, मैं सर कर लूंगा। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, कर लेना भी चाहिए, कर लोगे ना, कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने कर लिया कर लिया कर लिया। ठीक है आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब इससे बेसिस पे जो है ना हम लोग देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। कर लिया, चलो देखो। और अब इसके बेसिस पर देखो हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इन ये प्लेन्स के बीच का एंगल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन ऐसा कौन सा पूछा है। देखो तो आप आओगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व किया था। नाउ हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.3 की, क्वेश्चन नंबर 12 की, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन, मस्त चीज है, ठीक है, दे दिया गया है, लगा लोगे क्या बताओ? मेरे को करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं सर, बोलो जल्दी। अच्छा यहाँ पे आर दे दिया, आर से कंफ्यूज हो गए, हाँ सर आर से कंफ्यूज हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना आर से, ठीक है। देखो आप डायरेक्टली कंपेरिजन करके अगर आर, जैसे आर दे दी ना तो आपका इक्वेशन ही क्या होता है, आप यही तो कहते हो ना कि आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, तो यही तो आपका एन दे दिया, कितनी बढ़िया, मतलब ये आपका देखो क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से जो है आपको एन वन की देखो वैल्यू पता चल गई। हम ये बात करें देखो, इसको पहले बता देते हैं, समझ में आ रहा है ना, कितने बच्चों को समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 22 को करने के बाद जो है कितने बच्चों का दिमाग ओपन हुआ कि यस सर मैं कर लूंगा, कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं। हाँ लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर सकते हो, ना 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्किप नहीं करना, ठीक है, आप समझो। देखो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को, 11.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो दिया गया है ना, तो R डॉट है ना, ये करके दिया है, तो आपका ये एन वन दे दिया। अगली बात सुनिए, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। और ये आपका जो दूसरा वाला जो प्लेन का जो इक्वेशन है ना वेक्टर फॉर्म में, वो आपका यहाँ से n2 दे दिया है, n2 देखो कितना है, तो 3i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 5k कैप। चाहिए ही क्या आपको? ऐसा इसमें कुछ बोला तो है नहीं कि जो है इस वाले से निकालो, इस वाले से निकालो, तो डायरेक्टली कॉस थीटा वाला जो है अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बोलो हो जाएगा, बढ़ा जाएगा आगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज, अब चलो वीडियो को पॉज नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना है, बिना इसको सॉल्व किए आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। पहले आप इनको सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी, नहीं सर बाद नहीं करेगा, अभी करेगा, अभी करेगा, चलो जल्दी करो आप, हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करो जल्दी से ट्राई करो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जी बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो आपको यहाँ पर बस दो वर्ड ध्यान देने हैं, पॉइंट ए प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन होगी और एक पॉइंट होगा, वो प्लेन की इक्वेशन आपको कैसे भी फॉर्म में हो सकती है, या तो मे बी आपको वेक्टर फॉर्म में हो सकती है, या वो कार्टेशियन फॉर्म में हो सकती है, समझ पा रहे हो, और पॉइंट होगा समथिंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और एक हमारा प्लेन होगा आर वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, समझ रहे हो ये चीज। तो इस केस में देखो, अब इसका भी हमारा सेम वही दो केस बनेगा भाई, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में भी हम जो है डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। देखो तो मैंने आपसे कहा कि आपको दो बात ध्यान रखनी, पॉइंट यानी कि गिवन पॉइंट होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की देखो अगर हम बात करें तो सिंपल, हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला आएगा वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। अब आप पूछोगे सर ये ए क्या है, तो ये आपकी वही इस पॉइंट की पोजिशन वैक्टर है, इस पॉइंट की क्या है पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, दैट इज इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, समझ गए समथिंग, जैसे कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
ठीक है, पर आपको एन पता है, आपकी एन जो है वो दी रहेगी, डी भी आपको आपकी उस इस वाले इक्वेशन में क्या होगी, डी की वैल्यू भी दी रहेगी, आप उसका एन कैप निकाल लोगे, तो इस तरीके से आप जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी ये ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर मान लो हम ये कहें कि हमारी जो पॉइंट है, अगर मान लो वो ओरिजिन हो गई तब, समझ रहे हो, मतलब एक्स वाई जेड की जगह मान लो अगर मैंने जीरो रख दिया, समझ गए, जीरो रख दिया, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है या डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन, तो ओरिजिन से यानी कि पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, देन इस केस में हम आपका जो पॉइंट होगा सर वो क्या हो जाएगा, 0,0,0। तो वेक्टर ए बी आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। अब जब यहाँ पर रखोगे तो ये भी पूरा का पूरा टर्म जीरो, क्या बचा आपके पास, माइनस। अब बेसिकली हम ये सब मॉड में लेते हैं, कैसे लेते हैं, मॉड में लेते हैं, तो मॉड में है तो डी आपका ओवरऑल फिर भी कैसा रहेगा, प्लस में ही रहेगा, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ये इस केस में होगा जब आपकी पॉइंट कैसी हो, ओरिजिन पर हो। आप एक फॉर्मूला याद रखो, इसको याद मत रखो, क्या दिक्कत है, इसको नहीं याद रखो आप इसे याद रखो ना, मेन जो आपका फॉर्मूला है इसके बेस पे आप ये भी बना सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? नाउ अब मान लो अगर आपका जो इक्वेशन है, मान लो अगर वो कैसे दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, तो आपके पास ऑप्शन है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया है तो आप चाहो तो उस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बना लो, और वेक्टर फॉर्म के रिगार्डिंग सारी की सारी वैल्यूज को कंपेरिजन करके इसमें रख दो। या मान लो आप अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं बनाना चाहते हो, वैसे बना लोगे ना, ये तो मैंने आपको बताया ना कार्टेशियन फॉर्म से कैसे वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कार्टेशियन फॉर्म में है तो समथिंग कुछ इस तरीके से आपका दिया होगा, तो वहां से जो है मान लो कि ऐसे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, या प्लस डी का ऐसे भी करके दिया हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एन निकाल लोगे, वेक्टर एन इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपका एन हो गया। अच्छा अब इसकी कोई ना कोई आपकी जो है वो, दैट मीन्स आप वेक्टर ए निकाल सकते हो, मान लो कि आपने निकाला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये निकाल सकते हो, कोई भी होगा, ऐसा हम कोई जरूरी नहीं, एक्स वाई जेड, हम पर्टिकुलर हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, 1,2,3 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो रख दो इस वाले फॉर्मूले में, समझ गया, जब आप इसमें रखोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, एक्स इंटू ए, समझ रहे ना, डॉट प्रोडक्ट करोगे ना ए का और एन का, तो देखो ए देखो आपका कितना है, एक्स ए वाई बी जेड सॉरी सी सी जेड, ये तो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको देखो, तो इस केस में आपकी जो डिस्टेंस होगी, दैट मीन्स जो डिस्टेंस जो होगी वही चीज़ है, समझ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, देखो चीज़ वही है, बस क्या है कि हम उसको एक कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं, समझ गए। तो इसका जो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ए डॉट एन जब आप करोगे, ए चलो रखो, अच्छा ए डॉट एन, ए डॉट एन, ए डॉट एन, ए का मतलब क्या है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट एन की वैल्यू कितनी है, ए ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप माइनस डी, ये सब आपके सब कैसे हैं, सब आपके मॉड में है, अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, मॉड ऑफ वेक्टर एन का मतलब कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो होगा। चलो आप इसका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, एक्स ए या ए एक्स कह लो, ए को पहले रख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और माइनस डी, ये तो आएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मॉड में। आगे बात सुन, इसमें यार कोई ज्यादा हीरो बनने वाली जरूरत थोड़ी है, देखो कितना आसान है, समझ पा रहे हो, ठीक है, तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो, है ना, थोड़ा सा आँख मूंदो, मंद करो, और देखो कि चीज़ों को हमने जो है कैसे कैसे, हमने क्या क्या चीज़ें, हमने अभी प्रॉब्लम में क्या क्या अभी चला, अभी इस केवल इस वीडियो की बात करते हैं, ये वाले इस वीडियो की, जाने तो पीछे वाले वीडियो की नहीं बात करते, केवल आप इस वीडियो को देखो कि आपने अभी कौन कौन सा फॉर्मूला देखा है ना, हम इतना नहीं कह रहे हैं कि आप फिर से रिविजन करो, आप बस इनको देखो कि आपने कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा जाए, अब इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को देख लिया जाए कि इसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है, देखो साफ साफ देखो दिया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन, ये देखो क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया, प्लेन दे दिया, और ये मतलब क्या ही है सर, मतलब
मजाक है सर, ये क्वेश्चन नहीं मजाक है। हाँ मजाक ही रहेगा अगर, मतलब आपके लिए, मतलब ऐसा होगा अगर आपने इसको अच्छे से याद रखा है तब तो आप इसको हंसते हंसते लगा दोगी, और ना अगर जहाँ भूले तो फिर जो है वही एग्ज़ाम में वही फ़ैन वही बोर्ड वही टीचर की शक्ल बार बार जो है आपको देखनी पड़ेगी। तो इनसे बचना है तो फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की। देखो जी ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24 क्या करेगी, फाइंड द डिस्टेंस ना। फिर से मैं आपको फिर से वही बोलूंगा, वर्ड्स पे ध्यान दो, डिस्टेंस पूछ रहा है किसके बीच की, ऑफ ए पॉइंट एंड अ प्लेन। क्लियर हुआ? तो पॉइंट जो आपका दिया गया, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, हम इसका जो है पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कि लेट पॉइंट 2, -5, -3 इसको हम दिखा देते हैं पोजीशन वेक्टर के थ्रू। वेक्टर इज इक्वल टू 2i cap + 5j cap और माइनस का 3k cap, ये होगा। अच्छा ये जब आप इसे जब कंपैरिजन करोगे अपने प्लेन से तो ये आपकी n की वैल्यू है, 6i cap माइनस का 3j cap और प्लस का 2k cap, बोलो ये चीज होगा। क्या कर दिया जाए, अपने फॉर्मूले में रख दिया जाए, सिंस हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, ये लिखना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड प्लेन इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप ये जानते हो, विजय सर ने थोड़ी देर पहले कहा था क्या, देखो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें, मॉड में है ना, ताकि माइनस में ना आ पाए आपकी डिस्टेंस। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेक्टर ए की वैल्यू देखो हम रख सकते हैं कितनी, 2i cap + 5j cap - 3k cap. एन की वैल्यू कितनी रख ले, 6i cap - 3j cap + 2k cap - d। अच्छा सर डी देखो आप कंपेरिजन करोगे तो डी की वैल्यू देखो आपको कितनी मिल जाएगी, ठीक है डी की वैल्यू आपको मिलेगी 4, तो डी इक्वल टू कितना रख दिया जाए 4, तो माइनस में तो -4 अपॉन मॉड है, तो मॉड को कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एन, देखो तो एन आपका कितना है 6 का स्क्वायर 36 + 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4, यही तो होगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे मॉड के अंदर, ठीक है। सो फाइनली डी इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6 = 12, 5 × 3 - 15 और 3 × 2 यानी कि -6 - 4, ये भी तो है, अपॉन मॉड में अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 36 और 4 = 49 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 4 - 10 और 12 - 10 यानी कि 2 और +2 और -15, तो ये आपका आ जाएगा मॉड अंडर 13 अपॉन 49 का स्क्वायर बाहर निकालो, रूट अंडर स्क्वायर रूट बाहर निकालो 7, मॉड से बाहर निकालो तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, दैट मीन्स 13/7 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसकी पर्टिकुलर कुछ यूनिट होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलो मजा आया। देखो अब 24 है तो 24, अच्छा ठीक है, तो अब 24 के बेसिस पर जो हम लोग मतलब ये इस वाले बेसिस पर डिस्टेंस के बेसिस पर हम लोग जो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज में जो है आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, एक मिनट डिटरमाइन रहता था गिवन प्लेन था, अच्छा एक मिनट, ये पैरेलल है कि नहीं है आपको ये बताना है, और 14 क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस। हाँ ये देखो आपको जो साफ साफ जो आपको आपके एक्सरसाइज में जो 14 जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो चाहे वो पूरा का पूरा जो है आपको उसमें क्या बताना है, उसमें आपको जो है सारी की सारी चीजें जो बतानी है वो दिया है, पॉइंट्स आपका दे दिया गया और देखो प्लेन आपको दे दिया गया और आपको डिस्टेंस बतानी है। कर लोगे, आई होप कर लोगे आप, बोलो जल्दी बताओ मेरे को कमेंट करके, यस सर कर लेंगे, कर लोगे ना, ठीक है। देखो दिख रहा है ना ये पूरा पूरा जो आपका जो 14 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोलना है आपको, इसमें आपको निकालना है क्या, पॉइंट्स दे दिया है, जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पॉइंट्स दे दिया 0, 0, 0 और प्लेन दे दिया। हाँ अब देखो ये कार्टेशियन वाला प्लेन दिया, कोई बात नहीं, कितना है 3x - 4y + 12z = 3। चलो आप बस मेरे को जो है आपका देखो आप
अगर मेरे को आपने अगर कुछ चीज़ें अगर आपने बता दी तो आप जो है इसको कर लोगे। पहली चीज़ आप मेरे को यहाँ से वेक्टर एन बता दो कितना है, दूसरी चीज़ आप मेरे को डी बता दो कितना है, और तीसरी चीज़ आप मेरे को वेक्टर ए बता दो कितना है। अगर आपने ये तीनों चीज़ अगर बता दिया तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, और हम आपको बताएंगे कि आपने ये सही बताया या गलत बताया। इतना पहले बताओ, इतना तो आप बता सकते हो। बता दिया, चलो देखो मैच करो आप अपना अपना। देखो आपने एन देखो कितना बताया है, आपने बताया है 3i कैप, ठीक है, और माइनस का 4j कैप और प्लस का 12k कैप, ये बताया है। और डी की वैल्यू आपने कितनी बताई है, 3, सही है ना, क्योंकि डी इधर ही होता है, इधर तो लाओगे नहीं आप। और ए की वैल्यू पूरी की पूरी 0, तो पता है आपका ये क्या हो गया, आपका देखो ये ओरिजिन वाला फॉर्मूला बन गया। आगे बात सुनने, यानी कि आप इसमें डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मॉड ऑफ वेक्टर डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ये मॉड ऑफ वेक्टर एन, मतलब ये सॉरी ये आप डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो कि आप इसका जो है डायरेक्टली कार्टेशियन वाला फॉर्म जो आप अप्लाई कर सकते हो, क्या डी इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस, डी का मतलब क्या डिस्टेंस, ये वाली डी नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप एक काम आप ये भी कर लो, क्या लगा दो, ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और माइनस का डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख दो। देखो ये जो पूरी पूरी चीज़ जो चीज़ है ये आपकी क्या है, ये आपकी ए है, बी है, ये सी है, ठीक है, और एक्स वाई जेड यहाँ पर आपका क्या पूरा का पूरा ये टर्म 0 है, ये पूरा 0 है ना, समझ गए, तो क्या ये पूरा 0 हो गया, माइनस डी अपॉन दिस, यही तो मिलेगा। तो आप यही वाला फॉर्मूला जो है तो पूरे के लिए यूज़ कर लेना, क्योंकि देखो सभी में जो हमारे हैं ना वो पॉइंट्स और कार्टेशियन फॉर्म में ही दिए गए हैं। तो चलो आप मेरे को बता दो कि हाँ सर ये मैंने क्वेश्चन कर लिया है, मैंने एग्जांपल नंबर जो भी मेरा एग्जांपल था मैंने उसको किया, और इसके बेसिस पे हम ये सारे के सारे क्वेश्चन सर कर लेंगे, इसमें आपको सर बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, कमेंट करके बताओगे, ओके लिख दोगे, यस सर कर लिया मैंने, बस इतना लिख देना यस सर मैंने कर लिया, ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ी जाए, अब एक इसका लास्ट टॉपिक है वो देख लिया जाए क्या बोलता है। चलो देखो बात करते हैं लास्ट वाले टॉपिक, ये सारे के सारे कर लोगे आप कमेंट करके बताओगे, नहीं करोगे तो फिर हमें करना पड़ेगा, फिर ये देखो फिर करना पड़ेगा अगर आप नहीं करोगे तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो समझते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। अभी तक हमने क्या देखा, एंगल बिटवीन लाइन एंड लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन, है ना, दो प्लेन के बीच में एंगल, दो लाइन के बीच में एंगल। अब हम देखने वाले हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। देखो तो बेसिकली इसका हम जो है दो तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कहने का सीन क्या है कि मान लो आपके पास अगर कोई एक प्लेन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो कहोगे सर ये दो फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मतलब एक साइन में ले लिया है सर और एक कॉस में ले लिया सर, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये मान लो आपकी एक प्लेन है, ठीक है, और मान लो कि इस प्लेन में हमने यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करी, तो अब इस लाइन हमारा है, ये जो लाइन है ये हमारे इस प्लेन से एंगल बना रहा है, तो एंगल देखो बेसिकली दो तरीके से बना सकता है, या तो इसके एक्स एक्सिस से या तो इसके वाई एक्सिस से, ये बात आपको समझ में आई। मान लेते हैं कि वाई एक्सिस मतलब ये नॉर्मल से ये प्लेन है, या ये आपकी अगर प्लेन है तो ये प्लेन की क्या आपकी नॉर्मल है, तो नॉर्मल से मान लेते हैं सर ये थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से ये यहाँ अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये थीटा हो गया, ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो इस केस में सेम हमें देखो, अच्छा हम बात कर रहे हैं, देखो वर्ड्स पे ध्यान दो, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो लाइन है तो लाइन का इक्वेशन देखो आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपको ये पता है ना लाइन जो आपका होता है जिसको हम लोग कहते थे कि आर इज इक्वल टू ए ए प्लस लैम्डा बी, यही तो कहते थे ना लाइन का इक्वेशन, ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन मान लो आपको दी गई होगी आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, ये होता है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है। तो इनके बीच में हम दो तरीके से हम एंगल ले सकते हैं, या तो आपको लेना, देखो अगर मान लो नॉर्मल से अगर आप लोगे, कैसे लोगे, नॉर्मल से है ना, नॉर्मल टू द प्लेन अगर आप लोगे तो आप कहोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, सेम वही चीज, बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन, बस ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा कि नहीं नहीं सर हम जो है हम इससे नहीं लेना चाहते, हम इससे लेना चाहते हैं, तो आप क्या आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको फिर लेना पड़ेगा जो है देखो, अच्छा आपने ये कॉस वाला ले लिया, ठीक है, अगर नॉर्मल से बोलता है तब, मान लो अगर नॉर्मल से मान लो कभी नहीं बोला, बोला कि जो है वो प्लेन के आप जो है एक्स एक्सिस से जो है इसका जो है इस लाइन का जो है और प्लेन के बीच का जो एंगल बताओ। देखो
तो आप यहाँ पर ना ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है कॉस 90 माइनस थीटा ले लोगे, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा करना है कि 90 माइनस थीटा में आपको कुछ ऐसा ऐसा जो है फंक्शन लेना है कि जिसकी वैल्यू जो है कॉस थीटा की जो है इक्वल आ जाए। तो आपने कहा सर अगर 90 माइनस थीटा है और अगर हम इसके आगे ले लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, मतलब साइन ले लेते हैं, साइन क्या ले लिया जाए, अगर साइन ले लिया जाए तो इस साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा। आगे बात सुनो, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल आपको पता है क्या है, बी डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ एन। ठीक, अब कहीं कहीं जो है कहीं कहीं यहाँ पे मान लो आपको जो है इस 90 माइनस थीटा की जगह आपको जो है एक दूसरा एंगल देखने को मिलेगा फाइव, क्या देखने को मिलेगा फाइव, यानी कि साइन फाइव, समझ गया, साइन फाइव इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी डॉट एन अपॉन वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर एन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा साइन फाइव में और कॉस थीटा में, सेम वही चीज़ है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं, कह रही सर ये तो साइन फाइव है, साइन फाइव का, फाइव का मतलब समझ गया 90 माइनस थीटा, एक ही बात है। तो इसके बेसिस पर देखो आपका जो है एग्जाम्पल नंबर जो है 25 दिया गया है। ओके, साफ साफ देखो कह रहा है, चलो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। देखो जी ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 25 है ना, ये आपका 25 कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। ठीक है, तो आपके पास ये लाइन दे दिया है, ये आपके लाइन का जो है वो इक्वेशन दे दिया है, देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो ये आपके प्लेन का भी इक्वेशन दिया, कैसे फॉर्म में दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है ना, या सॉरी यहाँ पर 10 था, 10x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि हम देखो हमें जो एंगल पता है, हमें जो एंगल का फॉर्मूला पता है ना लाइन और प्लेन के बीच में कॉस थीटा इक्वल हम जानते हैं, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन, हम ये जानते हैं है ना। तो यहाँ से हमें सर बी चाहिए, एन चाहिए, तो यहाँ पे हमें तो बी और एन कुछ नजर ही नहीं है, और बी का मतलब वो वाला नहीं कि या का बी हो जाएगा, नहीं होगा ना, ना ऐसा गलती नहीं करना। ठीक है, देखो देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने इस कार्टेशियन इक्वेशन को हम क्या करते हैं ना कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, अपने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये इक्वेशन भी, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो भी किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसको भी कैसे कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब बात समझो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सर कैसे किया जाए, तो याद करो जब हम क्या करते थे, हम कंपेरिजन करते थे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये तो होता था। देखो आप जब यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो एक्स वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास माइनस वन, सिमिलरली माइनस वाई वन, अब देखो यहाँ पे जीरो है यानी कि वाई वन इज इक्वल टू आपके पास कितना मिल जाएगा जीरो, देखो जेड वन इज इक्वल टू देखो कितना मिल जाएगा, जेड वन इज इक्वल मिल जाएगा आपके पास थ्री, और ए वन देखो कितना मिल जाएगा, ए वन या ए, इसमें कोई दो इक्वेशन तो है नहीं, मतलब बस अब बात समझ रहे हो आप, तो ठीक है, तो ए इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा टू, और बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा थ्री, और सी इज इक्वल मिल जाएगा आपको सिक्स, समझ गए। अब देखो आपके जो आपके पास जो प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है। अच्छा एक मिनट, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारी जो लाइन की हमारी जो इक्वेशन होती है, आप क्या कहते हो, आप ये कहते हो ना कि आर इज इक्वल टू, देखो आर इज इक्वल टू क्या बोलते थे हम लोग, आर इज इक्वल टू ये, दैट मीन्स एक्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है ना, और फिर प्लस लैम्डा लैम्डा, और यहां पर हम क्या लेते थे बी, बी का मतलब है ना देखो ये पूरा बी, ये पूरा आपका बी है, दैट इज बी का मतलब देखो क्या है कि जो ये आप कह सकते हो कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये करते थे बी का मतलब, समझ गए, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, याद आया, ए ये पूरा आपका ए का मतलब ये पूरा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये चीज फील कर पा रहे हो, ये पुरानी वाली चीजें हैं, लाइन वाले में जाओ, आप लाइन वाले में जाओ, देखो क्या ये चीज हमने किया था, बिल्कुल किया था। ठीक है चलो वैल्यू रखो, तो आर इज इक्वल टू देखो कितना मिल जाएगा एक्स की, देखो एक्स वन ये एक्स वन है, वाई वन है, ये जेड वन है ना, जेड वन है, तो हमने एक्स वन की देखो वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस का वन है, तो यानी कि माइनस का आई कैप, प्लस वाई हमारा जीरो है, तो मतलब इसमें जे कैप तो होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो जे कैप, तो जीरो जे कैप का मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं, प्लस जेड वन, जेड वन देखो कितना है प्लस का थ्री, तो थ्री के कैप, और प्लस लैमडा, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू रख लो देखो कितनी है टू आई कैप, और प्लस का थ्री जे कैप, और प्लस का सिक्स के कैप, सिक्स के कैप ये होगा ना। तो यहां से देखो आपको
ये देखो, ये आपका ए है, ये आपका है बी। तो वेयर आप ये बता दो कि आपने यहाँ जो है, यहाँ से आपने जो है बी निकाल लिया, आपने बी देखो निकाल लिया, कितना निकाल लिया बी, इसकी इंक खत्म हो गई क्या? हमें अब अपने देखो बी निकाले, कितना निकाले आपने, निकाल लिया 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 6k कैप, आपने बी निकाले। अब बारी i n की, ठीक। देखो तो प्लेन का इक्वेशन देखो आपके पास कितना दिया गया है, प्लेन जो है आपके पास दिया गया है 10x + 2y - 11z = 3। कितना आसान है, एन देखो, एन आप एन कैप देखो आपका कितना हो जाएगा, 10i कैप + 2j कैप - 11k कैप। ये आपने क्या निकाला, आपने एन निकाल लिया। लगा तो फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, अभी जस्ट आपने फॉर्मूला ऊपर लिखा है ना, तो बी बी डॉट मतलब कि बी, बी की वैल्यू देखो कितनी है रखोगे, 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप डॉट, जे की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू देखो कितनी रखोगे, 10i कैप + 2j कैप - 11k कैप अपॉन मॉड ऑफ। तो मॉड आप कैसे निकालते हो, तो पहले आपको निकालना है बी का, तो बी का मतलब कि 4 + 6 + 36 सॉरी 4 + 9 हो जाएगा, 4 + 9 + 36 * 100 + 4 और प्लस 11 का करोगे तो 121 ये आएगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास, 2 का 10 में कर देंगे तो 20 + 3 का 2 में कर देंगे तो 6 6 का 11 में कर देंगे तो -66 अपॉन, ये कितना हो जाएगा देखो, 36 4 49 49 √49 और इनटू ये कितना हो जाएगा देखो, 120 मतलब सॉरी 221 और 221 + 4 यानी कि 225 √225। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 20, देखो ये आपके पास हो जाएगा 60 में से 60 माइनस में से 20 चला गया, कितना आ जाएगा -40 अपॉन 7 × 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, ठीक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनली आपके पास आ जाएगा कितना, देखो मॉड से बाहर निकाल देते हैं और ये कट कर देते हैं, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो मॉड से बाहर निकालते, तो माइनस मॉड हट गया तो माइनस हटा खत्म, तो 8 अपॉन 21। और थीटा इज इक्वल टू कर सकते हैं कॉस इनवर्स 8 अपॉन 21, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर कॉस थीटा की जगह साइन इनवर्स फाई भी ले सकते हो, सॉरी साइन फाई भी ले सकते हो, और फाई का मतलब है 90 - थीटा, ये बात ध्यान रखना आप। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 25 कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करें, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 आपने ऑलरेडी कर लिया है, नाउ बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अच्छा ये तो अलग ही हो गया भाई, गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, मतलब बताना है कि जो डिटरमाइन करना है कि हमारी ये जो प्लेन्स दी गई ना इतनी सारी, ठीक है, ए से लेकर के ई तक जो भी क्वेश्चन हैं, इसमें बताने हैं आपको ये जो आपकी जो प्लेन्स हैं वो आपकी क्या है, वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, एंड इन केस दे आर नीदर, मतलब इनमें से या फिर मे बी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ना तो वो पैरेलल होंगे ना ही वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ ना तो वो प्लेन हुआ, बात समझो क्वेश्चन को समझो, अगर वो ना तो पैरेलल हुआ और ना ही परपेंडिकुलर हुआ, उस केस में आपको एंगल बताना है इन दोनों केसेस को छोड़ करके। अगर देखो बात समझो, कह रहा है कि अगर पैरेलल हुआ, ठीक है, तो आपको जो है एंगल नहीं बताना है, भाई पैरेलल में क्या ही एंगल बताएंगे, है या तो जो है 0 होगा या तो 180 के आसपास होगा, और क्या बताएंगे, ठीक। फिर दूसरा कह रहा है कि परपेंडिकुलर हुआ तो भी आपको जो है उनका एंगल नहीं बताना है, परपेंडिकुलर का तो मतलब आपको पता ही है 90 डिग्री होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर में भी आप एंगल नहीं बताओगे। फिर कह रहा है कि एंड इन केस दे आर नीदर, अगर इनमें से कोई नहीं हुआ, ना तो पैरेलल हुआ और ना ही परपेंडिकुलर हुआ, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, देन उस केस में आपको जो है उनकी बीच की जो है एंगल फाइंड आउट करनी है। चलो ये आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, इतना बड़ा सर आपने बताया तो समझ में ही आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13। देखो बहुत मजेदार चीज़ है ये, अच्छी और ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट भी चीज़ है ये। देखो चलो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें भाई आपको बताना है कि आपकी जो ये जो दो प्लेन की जो इक्वेशन दी गई है ये आपस में परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या अगर इन दोनों में से अगर कुछ नहीं है तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, आपको ये बताना है। सिंपल सी बात है, हम इन दोनों प्लेन्स का क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं,
तो जब आप प्लेन्स का देखो, जब आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है देखो किसकी किस वैल्यू मिलेगी, आपको जो है ए, आपको जो है देखो ऐसे कह लो कि बाई कंपेयरिंग देखो ये आपकी बेसिकली ये प्लेन की आपकी इक्वेशन है, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू डी वन, ये कह लिया, ठीक है, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। चलो कंपेरिजन कर दो, तो ए वन देखो आपको कितना मिलेगा 7, बी वन कितना मिलेगा 5, सी वन कितना मिलेगा 6, ए टू कितना मिलेगा 3, बी टू कितना मिलेगा -1 देखो, है ना, और सी टू कितना मिलेगा माइनस का 10। ठीक, अब आपको पता है परपेंडिकुलर और पैरेलल की दो कंडीशन थी, तो हम चेक करते हैं इफ हमने कहा कि ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देख लेते हैं है क्या। तो चेक करते हैं, ए वन अपॉन ए टू पहले निकालते हैं, ये पहले हम लोग इसको निकाल ही लेते हैं ना, ए वन अपॉन ए टू पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो तो ए वन अपॉन ए टू देखो कितना आ जाएगा 7/3, बी वन अपॉन बी टू देखो कितना आ जाएगा माइनस का 5/1, मतलब जो भी कह लो -5 कह लो, एंड सी वन अपॉन सी टू देखो कितना आ जाएगा 6/-10, यानी कि 2 3 अपॉन 5, यानी कि -3/5। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, क्या ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू आपस में इक्वल हैं? नहीं इक्वल है। तो अगर इक्वल ये नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये आपस में, ये हमारी कौन सी कंडीशन होती थी, ए वन अपॉन देखो हमने कहा कि सिंस ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू, मतलब बी वन अपॉन बी टू और ये नॉट इक्वल टू है सी वन अपॉन सी टू के, सो लाइन, मतलब सॉरी लाइन नहीं है हमारी प्लेन्स है ना, सो प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है, ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी पैरेलल नहीं होंगी, पी आर डबल एल, ये हमारी पैरेलल नहीं होंगी। अब एक और हमारा दूसरा बचा है परपेंडिकुलर वाला, चेक कर लिया जाए। चलो तो परपेंडिकुलर वाला आप याद करो क्या कंडीशन था, ए वन ए टू प्लस ए वन ए टू है ना, प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर परपेंडिकुलर। तो हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, चलो तो रखते हैं एलएचएस में ए वन ए टू, समझ गए बात को, आप समझ गए ना, ए वन देखो कितना है 7 इंटू ए टू कितना है 3, प्लस बी वन कितना है 5 इंटू बी टू कितना है -1, प्लस सी वन कितना है 6 इंटू सी टू कितना है -10, 21 -5 और -60, ठीक, तो कितना आ जाएगा 21 और -5, ये आ जाएगा आपके पास 16 -60, तो 16 में से 60 को, ओ सॉरी 16 में से 60 -60 को, मतलब 60 को सबट्रैक्ट करो तो कितना लगेगा माइनस का और 4, और ये आपका हो जाएगा 5 1 4, सॉरी कितना आ जाएगा ये आपका 4, ठीक है 5 1 4, ठीक है 44, कितना आ गया माइनस का 44, जो कि नॉट इक्वल है 0 के, 0 के इक्वल होना चाहिए, नहीं है, समझ गए। तो अगर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि हेंस गिवन प्लेन्स नॉट परपेंडिकुलर, तो ना ही ये क्या है पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। देखो बात समझो, अगर पैरेलल या परपेंडिकुलर में से अगर कोई भी अगर एक ऑप्शन अगर मिलता तो वही आपका आंसर हो जाता, बता देते, उस केस में आपको एंगल नहीं निकालना होता। अब सिंस क्या है कि इसमें आपको ना तो परपेंडिकुलर मिला ना तो पैरेलल मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एंगल बताना पड़ेगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन बोला था कि अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर आप उस केस में आपको उसका एंगल बताना पड़ेगा, तो एंगल बता दिया जाए। चलो भाई तो याद करो एंगल का फॉर्मूला, अच्छा
तो क्या लिख दिया जाए, एंगल बिटवीन टू प्लेन, आपको याद है एंगल बिटवीन टू प्लेन, वर्ड्स को ध्यान से देखो, टू प्लेन्स की हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या था जो कॉस थीटा था वो आपके पास था, देखो कितना, ए वन ए टू, जैसे भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट, ये सब मॉड में था, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, समझ गए, इनटू ए टू स्क्वायर प्लस, अच्छा ये मेरे को उसी वाले बेसिस पर कर देना चाहिए था, ठीक है, अब चलो ध्यान नहीं पड़ा, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, मेरे को लगा शायद ये थोड़ा सा अलग है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया था, बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, सॉरी बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। देखो सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे ना, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे यार सर मैंने कर लिया, सेम वही है, आप ये सारी चीजें हमेशा चेक करोगे कि अच्छा है तो ठीक है भाई, पैरेलल या प्लेन परपेंडिकुलर में से कोई भी अगर एक कंडीशन होगी तो बता करके छोड़ देंगे, एंगल नहीं बताएंगे, है ना, कि परपेंडिकुलर है तो ठीक है एंगल नहीं बताना है, पैरेलल है तो ठीक है एंगल नहीं बताना है, ठीक है एंगल नहीं बताएंगे, हाँ अगर दोनों से फिर से अगर कोई नहीं आया तो फिर आपको एंगल बताना पड़ेगा, ठीक है हम बस एक ये कर ले रहे हैं लास्ट वाला। चलो सर ए वन ए वन ए टू की वैल्यू रखते हैं, ए वन देखो कितना है, तो ए वन, अच्छा एक मिनट, ए वन ए टू, ए वन देखो यहाँ से ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की देखो वैल्यू आई कितनी, माइनस का 44 आया ना, तो माइनस का 44 मॉड में है तो मॉड भी हटेगा तो सब हट जाएगा ये भी, अब देखो अंडर रूट में ए वन स्क्वायर, ए वन कहने का मतलब है देखो अपने अपने जहाँ पे गिवन किया कंपेरिजन किया, ए वन यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस बी वन स्क्वायर 25 और प्लस सी वन स्क्वायर यानी कि 36 इंटू अंडर रूट ए टू स्क्वायर 9 प्लस बी टू स्क्वायर 1 प्लस सी टू स्क्वायर 100, ठीक तो मॉड हटा देते हैं तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास 44 अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 49, एक मिनट 36 और ये 25, 65, 11, 9, 20 यानी कि अंडर रूट 0 टू 5, 4 कितना हो जाएगा 9, 10, 11, 110 इंटू अंडर रूट, इसको देखो सॉल्व करो तो 110, ठीक है ओके ठीक 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 कोई बात नहीं तो और अच्छा आ गया, ठीक है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा आपके पास 44 अपॉन 110 इन रूट में, 110 रूट में दोबारा तो एक बार बाहर आ जाएगा 110, सो फाइनली इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो आप इसको कट भी कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 11 से 11 फोर जा और 11 वन जा 10 टाइम और ये 2 2 जा 25 ओके, यानी कि 2.2 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 5, सो आप ये भी कर सकते हो क्या, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन 5 बोलो। अब इसके बेसिस पर आप क्या, इसके जितने भी आपके जो क्वेश्चन हैं सी डी है ना, ए बी सी डी मतलब ये तो मैंने कर लिया, जितने भी क्वेश्चन है क्या आप उनको कर सकते हो, बिल्कुल कर लोगे, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।